तो यहां इस फहरिश्त में एक शायर ऐसे हैं जो दक्षिण भारतीय हैं, बंबई में रहते हैं, जगजीत सिंह साहब ने उनको गाया है, महेश भट्ट की फिल्मों में उनकी गजलें आई हैं, लेकिन वो सिर्फ शायर हैं। अगर आज के इस मुशायरे की ये तारीख लिखी जाएगी कि यहाँ गजल कैसी सुनी गई, यहाँ शायरी कैसी सुनी गई, वो इस बात से उसका मीटर नापा जाएगा कि जब राजेश रेड्डी यहाँ शेर पढ़ने आए थे तो आपने कितनी तालियां दी और कितने मन के साथ उन्हें सुना। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार राजेश भाई, जो हमारी गजल के सबसे शालीन लोगों में हैं, वो गजल के संसार के युधिष्ठिर हैं, बहुत सभ्य, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप राजेश भाई के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर उनसे कहें कि वो गजल सुनाएं। और राजेश भाई, आपकी इजाजत हो तो आपका एक शेर मैंने सुना दूं, वो आप पढ़ते नहीं है इसलिए सुना दूं। ये जो हम 25-30 हज़ार की सैलरी पाने वाले लोग हैं, महंगाई चली जाएगी, मोदी जी ने कहा है, हर बार मुंह फाड़ के देखते हैं तो फिर दोबारा टमाटर 200 रुपये का आके खड़ा हो जाता है, इनके लिए एक शेर राजेश भाई का सुन लीजिएगा कि रोज खाली हाथ जब घर लौट कर जाता हूं मैं। और ये तालियां सब उनके नाम, चूंकि उनका शेर पढ़ रहा हूं उनके सामने, अगले मिसरे पर आप सब गुंजा दें इस हॉल को कि रोज खाली हाथ जब घर लौट कर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई। जब शेर कुमार विश्वास पढ़े तो यही होना है जो आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दुबई में पहली बार आया हूँ और मोहब्बत आपकी, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा कुमार भाई का, आफ्ताब भाई का, रेहान भाई का, जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया। और कुछ चीज़ें आप तक पहुंची होंगी, लेकिन क्योंकि दुबई में मैं पहली बार आया हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें लोगों ने सुनी हैं, पसंद की हैं, पहले वहां से शुरू करूं, उसके बाद फिर जैसे जी भाई, जी इजाज़त जी कुमार भाई जी। नायद देखिए, मैं बम्बई से आया हूं और बम्बई ने वो कुछ देखा है, वो कुछ झेला है जो आसपास के गुजरात को हम खास कह सकते हैं। लेकिन हम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुनने वालों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लोग हैं और हमारे सुख और दुख बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं वहाँ से आपको जोड़ना चाह रहा हूँ जी भाई, कि चाहे मजहबी फसाद में मरें, फेक एनकाउंटर में मरें, बम धमाकों में मरें, और हम अखबारों में और टीवी में रोज़ सुनते इतने मरे, इतने घायल, लेकिन उसके पीछे जो कुछ होता है, उसके पीछे की जो कहानी, उसके पीछे जो लोग फिर जिंदा रह जाते हैं और उन्हें कैसे रहना पड़ता है, ये वहाँ से एक मतलब शुरू कर रहा हूँ, आप उससे जुड़े उसके बाद जी राजेश भाई। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, यूं देखिए तो आंधी में शजर, मेरे जो उर्दूदान नहीं है उनके लिए बताऊं, पेड़ जी, एक प्रतीक से बात कहने की कोशिश किया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह 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 वाह, क्या बात है राजेश भाई, वाह वाह वाह, ये बात है। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, हम अक्सर पढ़ते इतने बड़े इतने घायल, लेकिन खैर, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और ये शेर एक अलग सा शेर हुआ है राज भाई, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, वाह 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 कुमार भाई, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी हम सबका सच, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब के बार भी किस्मत के सर गया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ही सबब, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, रेहान भाई,
मैं ही सबब था अबके भी अपनी शिकस्त का इल्जाम अबकी बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक मतला देखें, रोज़ का सच है हमारा, दुबई वालों का पता नहीं होया न हो, लेकिन हम जो रोज़ की रूटीन की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें एक शेर सुबह सुबह ख्याल आता है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारा देखें, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। वाह 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 भाई, वाह वाह राजेश भाई, जिंदाबाद जिंदा, क्या बात है, मुकर्रर वाह 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 भाई वाह भाई वाह। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। और हर इंसान के कई कई पहलू हैं, कई कई रोल हैं, कहीं बाप है, कहीं बेटा है, कहीं नौकर है, कहीं मालिक है, और ये की जिम्मेदारियां। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा। वाह 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 भाई, वाह 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 रेड्डी साहब, वाह वाह क्या बात है रेड्डी साहब, शुक्रिया। मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई क्या बात, मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। और एक मतला और एक और शेर से मैं एक खास शेर सुनाना चाह रहा हूं, उससे पहले मतला, देखना चाहूं जो खुद को कम से कम इतना तो हो, देखना चाहूं जो खुद को कम से कम इतना तो हो, आईने में गर नहीं मैं कोई मुझ जैसा तो हो। देखना चाहूं जो खुद को कम से कम इतना तो हो, आईने में गर नहीं मैं कोई मुझ जैसा तो हो। रिखाशीर कुमार भाई, बादलों में हर किसी के वास्ते है कोई बूंद, वाह, बादलों में हर किसी के वास्ते है कोई बूंद, शर्त ये है उतनी शिद्दत से कोई प्यासा तो हो। वाह 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 वाह, आहा बहुत भाई क्या शेर है भाई, वाह वाह, बादलों में हर किसी, बहुत बहुत शुक्रिया। बादलों में हर किसी के वास्ते है कोई बूंद, शर्त ये है उतनी शिद्दत से कोई प्यासा तो हो। देखना चाहूं जो खुद को कम से कम इतना तो हो, आईने में गर नहीं मैं कोई मुझ जैसा तो हो। और तरन्नुम से पहले एक मतलब और एक शेर और सुन लें, ये अभी हम त्योहारों के दौर से गुजर रहे हैं, अभी अभी ईद गुजरी है और अब दिवाली आने को है, लेकिन त्योहारों का क्या से क्या हम लोगों ने बना दिया, ये मैं शेयर कहना चाह रहा हूँ। उससे पहले मतला है जी राजेश भाई, हम जानते क्या कुछ करते रहते हैं कामयाबी के लिए। खजाना कौन सा उस पार होगा, खजाना उस शेर से पहले मतला, खजाना कौन सा उस पार होगा, वहां भी रेत का अंबार होगा। खजाना कौन सा उस पार होगा, वहां भी रेत का अंबार होगा। और ये शेर खास, ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है, ये हिंदुस्तान का सच बोल रहा हूं आपको, ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है, यकीनन कल कोई त्योहार होगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 रेड्डी साहब, क्या बात है, वाह भाई वाह। त्योहार सेलिब्रेशन की चीज थी, उसको हमने दहशत की चीज बना दिया हमने। ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है, यकीनन कल कोई त्योहार होगा। खजाना कौन सा उस पार होगा, वहां भी रेत का अंबार होगा।
और तरन्नुम से गजल पेश कर रहा हूँ। आयश भाई वो बच्चे वाले शेर बड़े मशहूर हैं, वो जरूर सुना दीजिए। हाँ जी जी। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया। वाह वाह वाह। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। जाने कितनी उड़ान। रखाशेर जी। जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन। वाह वाह क्या मिसरा है। जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान। जिंदाबाद। वाह ये है राजेश रेड्डी का रंग। क्या बात है राजेश भाई। बहुत 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 शुक्रिया मोहब्बत। जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन। वाह राजेश भाई वाह। जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। जाने कितनी उड़ान बाकी है। और इसी से चलेगा शेर। टीवी पे रोज आप दुनिया देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये शेर जाने कितनी उड़ान, अब वो दुनिया अजीब लगती है। अब वो दुनिया अजीब लगती है। अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान। वाह वाह जिंदाबाद। क्या बात है राजेश भाई। वाह वाह वाह। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अजीब लगती है। अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। जाने कितनी उड़ान। और जिंदगी का सिलसिला देखें, सबके साथ है। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा। ये शेर है। वाह वाह। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी। भाई बाबा राजेश भाई जिंदाबाद। भाई बाबा वाह। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। जाने कितनी उड़ान। और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर राजेश रेड्डी। सर कलम होंगे कल यहां उनके। ये बात कही है। वाह। ये खास तौर से कुमार विश्वास सुने और इन्हीं के लिए शेर इनको पेश कर रहा हूं उनकी खिदमत। सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में जुबान। वाह वाह। राजेश रेड्डी साहब। आ शुक्रिया।
बहुत बहुत मोहब्बत। क्या बात है राजेश रेड्डी के, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां राजेश रेड्डी साहब के लिए, वाह। सर कलम होंगे कल यहां उनके, सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। और कुमार भाई का आदेश है, हुक्म है, मैं वो गजल पेश कर रहा हूँ, और वो ही गजल है जिसने मुझे आप तक पहुँचाया है, सब जगह पहुँचाया है, मैं पेश कर रहा हूँ जी। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। क्या बात है राजेश भाई, शुक्रिया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। रेखा शेर जिसे ज्यादा मोहब्बत मिली, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा। राजेश भाई जिंदाबाद, कुर्बान, शुक्रिया। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डर। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत मोहब्बत मोहब्बत। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और ये शेर आज के इंसान के नाम, उसकी हरकतें देखें और आज के इंसान को देखें। यहाँ हर शख्स, अच्छा जी, मनोहर भाई का हुक्म है, मैं ये शेर फिर पढ़ रहा हूं। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है। शुक्रिया। और शेर, न बस में जिंदगी इसके, आहा, ये आज का इंसान, इसको ध्यान में रखें। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। शुक्रिया, वाह 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 वाह, शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। कितना सादा, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे कहा, कैसे कहा? न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, खिलौना है जो। और ये आखिरी शेर, वो जो बच्चे वाला शेर है, ये शेर भी मुझे उतना ही पसंद है, इसको भी उसी प्यार और मोहब्बत से सुने। एक ऐसा सच है जो इंसान कहीं का भी हो, अमीर हो गरीब हो, ये सब पे लागू होता है जी भाई। जिंदगी में कोई ना कोई पल ऐसा ज़रूर आता है हर इंसान के, अमीर से अमीर भी हो, कि ऊपर वाले से दुआ करता है कि वापस बुला ले। लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो ये शेर है जी। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अद्भुत लाइन है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है, और रिहा होने। आयुष भाई एक बार जोरदार तालियों से दोबारा अनुरोध करिए राजेश रेड्डी साहब से। वाह, मैं आज के सदरे मुशायरा जनाब मुनव्वर राना साहब से इस बात की जमानत चाहता हूं कि किसी मुशायरे की कामयाबी इसी बात पर निर्भर है कि वहां सबसे ज्यादा राजेश रेड्डी जैसे शायर सुने जाए जो सिर्फ शायरी पढ़ते हैं। और आपने ये बता दिया है, आप पर हम कुर्बान है, पूरा मंच एक बार अपने सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। वाह शुक्रिया। ये तालियां वाकई मेरे लिए नहीं बल्कि कुमार जी के लिए भी नहीं, ये वाकई आपके लिए हैं तालियां, इतने प्यार से आप सुन रहे हैं जी, जी। अजब यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है, और रिहा होने से डरता है, खिलौना है। शुक्रिया। और आपने इतनी मोहब्बत से सुना तो तीन चार शेर छोटी बहर के और सुन लें जी भाई। मतलब सीधा साधा है लेकिन उसके बाद कुछ शायद ठीक शेर हो गए। मनोहर भाई इजाजत है जी। जी रंग मौसम का, रंग मौसम का हरा था पहले, वाह वाह वाह, रंग मौसम का हरा था पहले, हरा था पहले पेड़ ये कितना घना था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। शेर खास जी। मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, हाँ मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था पहले। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छे से कहा है, ऐसे प्यार से आप सुन रहे हैं। मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और जिंदगी का सिलसिला यहाँ सब पीढ़ियाँ मौजूद हैं, नौजवान भी बुजुर्ग भी, और एक सिलसिला है जो जिंदगी में चला रहता है सबके साथ।
और हम अक्सर अपने बुजुर्गों के साथ जो सलूक करते हैं घर में, और जनरेशन गैप जिसे बोलते हैं कि आपको ये नहीं मालूम, आपको ये नहीं जानते आज का वक्त क्या है, ये सब कुछ है। और मैंने छोटे से तरीके से कुछ कहने की कोशिश की जी भाई। रंग मौसम का हरा था पहले, जो नया है वो पुराना होगा। वाह क्या पलट है, वाह 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 वाह, क्या बात है रमेश भाई, वाह 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 वाह, क्या सादा। ये खास तौर से नई पीढ़ी सुने, जिसका हाल आगे भी वही होने वाला जो हम लोगों का है। या जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था पहले। शुक्रिया भाई, क्या सादा और क्या खूबसूरत भाई वाह राजेश रेड्डी साहब। जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था पहले। रंग मौसम का हरा था पहले। और आखिरी शेर कुमार भाई जी और आप सब लोग, ये जिंदगी का हमारा कीवर्ड बन गया है कामयाबी। बस इसके अलावा कोई सोचता नहीं इंसान को, ऐसे तैसे जैसे कैसे भी कामयाबी। और उसके लिए क्या क्या कुछ करते हैं हम लोग। और ये शेर, रंग मौसम का हरा था पहले, ये शेर रंग मौसम का बाद में मैंने बुलंदी को छुआ। ये भी जमा हुआ है। बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बुलंदी को छुआ, अपनी नजरों से गिरा था। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां राजेश रेड्डी साहब के लिए। वाह, बहुत बहुत बधाई। खास तौर पे आपने जिस तरह राजेश रेड्डी साहब को सुना, और वो जितने बड़े शायर, जितने बड़े इंसान हैं, अक्सर मैंने देखा है कि जब जब कोई नाजिम उनको बुलाता है, कई मुशायरे कई कभी सम्मेलन ऐसे होते हैं जिनमें मैं संचालन नहीं करता, तो वो अक्सर ये बताता है कि जगजीत सिंह साहब ने इनकी वो गजल गाई थी, या महेश भट्ट साहब ने अपनी फिल्म में इनका ये वाला गीत लिया था। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं वो सारी तथाकथित उपलब्धियां ना बताऊं, मैं आपको सिर्फ बताऊं कि राजेश रेड्डी ये हैं, और इसे 24 कैरेट शायरी कहते हैं। और जिस तरह आपने सुना है उस तरह आपको भी सलाम है, हमारी एसोसिएशन को बहुत बहुत सलाम है।